रीट 2020 में जो विवाद है, सबसे बड़ा विवाद, और जब आग वाली मैंने चर्चा कर ली है, सबसे बड़ा विवाद है, क्या विवाद है उसमें भी चर्चा करना चाहूँगा। क्या विवाद है, सबसे बड़ा विवाद क्या है, बीएड बीएसटीसी वाला। अब सब तरह से कान लगाया जा रहा है कि उपेन्द्र यादव किसके साथ है, बीएड वालों के साथ है, एसटीसी वालों के साथ है, क्या करने वाला है, किसका साथ देगा। उपेन्द्र यादव सच्चाई और न्याय के साथ है। कुछ लोग पहले से फर्जी आईडी बना रखे हैं, कुछ लोग पहले आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच का साथ पहले भी देता था, आज भी दूंगा, आगे भी दूंगा। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो एसटीसी बीएड की जो लड़ाई है, लड़ो तुम। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाना, कोर्ट कोर्ट खेलना, भर्ती अटकाना, 2018 की कमलेश मीणा और फिर नीचे दोनों, मुझे पता है अनशन भी करना पड़ा, क्या क्या हमने पापड़ बेले थे, वो भर्ती हो पाई 2018 से 2019-20 में, वो भर्ती हो पाई। फिर अटकाने की, निकलवाना मुश्किल है, अटकाना सरल है, बस निकली नहीं, अटकाने की बात शुरू हो गई। मैं स्पष्ट कह दूं मेरा मत क्या है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं मुझे न्याय का साथ देना होगा। मेरे घर के दो सदस्य बीएड वाले हैं, मैं खुद बीएसटीसी हूं, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे रहा टीचर की, लेकिन क्या किसी व्यक्ति जिस न्याय की कुर्सी पे बैठा है तो वो अन्याय के साथ देना, या अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी सदस्य के स्वार्थ के लिए किसी गलत आदमी का साथ देना, वो व्यक्ति कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। जो बीएड और बीएसटीसी, कई साथियों ने मुझे, बीएड वालों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बीएड वालों को शामिल करने का, एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा है, ये बीएड वालों की तरफ से तर्क मिले। तो बीएड वालों को मैं कह देता हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और एनसीटी ने अनिवार्य कर दिया है, तो बीएसटीसी वाले कितना भी आंदोलन करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई नहीं निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, आप लोगों को शामिल किया जाएगा यदि नियमों में रहा तो। मैं कह रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा खुले में कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है और एनसीटी के नियमों में मैं साथ दूंगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं बीकानेर गया हुआ था, मुझे पता चला कि कार्यालय में बीएसटीसी वाले घेराव कर रहे, मेरे खिलाफ नारेबाजी लगा रहे, उनको समझाए ये आपका घर है, इसके अलावा कोई आवाज नहीं उठा, इसके खिलाफ, घर के खिलाफ कोई आवाज उठाता है क्या, इस्तीफा चाहिए तो ले जाइए, आ जाइए, कोई भी कर लीजिए, उनको समझाया, उन्होंने मेरी बात सुनी और मैंने लिखा नियमानुसार। तो कुछ ज्ञानी कह रहे ओ ये तो बीएसटीसी का साथ दे रहा है, मैंने लिखा नियमानुसार, यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वालों के पक्ष में है, एनसीटी का फैसला आपके पक्ष, वो नियमानुसार है, तो भैया मैंने ये तो लिखा नियमानुसार, उसके मैं आपका साथ दूंगा, तो आपके पक्ष में हो तो मैं क्या कर पाऊंगा, ये तो बीएड की बात होगी। अब मैं बीएसटी फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं, यदि नियमों में नहीं है, और नियमों में नहीं है तो जो लोग आंदोलन कर रहे अपने अधिकारियों के लिए कर रहे, उनको स्वतंत्रता अधिकार है वो करें, नहीं है और उनके अधिकारियों के साथ गलत हो रहा तो वो आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानता, वो आंदोलन अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं, यदि नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, तो इन लोगों की जीत होगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी मुझे चिंता किस विषय की है, इस विषय की है कि यदि नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, तो ये साथी जो मुझे कह रहे हैं, उस दिन आए थे हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में, ये कोर्ट में जाके भर्ती, मान लीजिए मेरे जो बीएड के जो समझदार व्यक्ति तैयारी करने वाले दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, लेवल टू में कमलेश मीणा का जो मामला चला, भर्ती अटकी, लेवल टू में मैं आपके साथ नहीं था, बहुत भगा, भर्ती को कोर्ट से निकलवाया, वेटेज जो 70-30 का था, मैंने अशोक नगर थाने में गया, लड़ा झगड़ा, कांग्रेस घोषणा पत्र में लड़ाया और 90-10 करवाया, क्या बीएड का मामला नहीं था, चाहे सूची निकलवाने वाली थी, जो अनशन किया, लाठिया खाई, एक और सूची 2018 का, नहीं क्या ये बीएड वाले नहीं था, मैंने क्या बीएड वालों का हर जगह साथ नहीं दिया है, क्या हर जगह साथ दिया है। आपको ये क्या लगता है, जो मैं सच बता रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा ये तो बीएसटीसी का पक्ष ले रहा, अरे बीएसटीसी का पक्ष नहीं ले रहा, नियम में उनके पक्ष में है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उनके पक्ष में तो न्याय मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर जाके भर्ती को अटका देंगे। कहीं मेरा साथी है, अभी तक तो वो बीएड की तैयारी कर रहा है, वो बीएड की तैयारी कर रहा अभी तक, तो जैसे ही मान लीजिए नियमों नहीं है, डाल दिया उसको,
भी प्रथम लेवल बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लेवल की तैयारी करेगा, और ये लोग जाके कोर्स से स्टे ले लिया, तो वो भाई सेकंड लेवल की तैयारी छोड़ के फर्स्ट लेवल में आया है, वो दोनों का नहीं रहेगा, दोनों तरह से मारा जाएगा वो, और भर्ती भी अटक जाएगी जो 31,000 परिवारों को भला होने वाला था। नीति यही है, आपस में लड़ाओ और भर्ती को लटकाओ। तुम समझो यारो, आप लोग आपस में मत लड़ो, आप लोग आपस में मत लड़ो। मैं BSTC के पक्ष, यानी कि मैं सच की बात बताता हूँ तो BEd वाले गाड़ी देते, BEd का पक्ष लेता हूँ तो BSTC वाले देते। मैं, मेरा उद्देश्य ये भर्ती नहीं अटके। मैंने MA बेस पे BEd करने वालों के लिए इसलिए कहा था कि वो लेवल 2 में उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वो कोर्ट में फिर न चले जाए। मैंने जो कह रहा हूँ कि नियम अनुसार जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और NCT का नियम अनिवार्य है, नहीं लेना है तो स्पष्ट कर दो उनको बिठा के, BSTC वालों को नहीं लिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और NCT का ये अनिवार्य नियम है, फिर BEd वालों क्या दिक्कत है, मान जाएंगे वो। और यदि वो कह रहे कि हमारे पास सबूत है कि अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, तो यार उनको न्याय मिल जाना दीजिए। आप नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उनकी, मैंने पहले भी कहा था कि सबका परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण हो जाएगा, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, और उसमें ये लगेगा सरकार को कि वास्तव में किसके साथ गलत हो रहा, किसके साथ सही हो रहा, वो सरकार को फैसला करना है। वही मेरे साथ कार्यालय में आए तो मैंने कहा कि मैं कल भी शिक्षा मंत्री से मिलूंगा और 4 बजे मैं अधिकारियों के सामने बात रखूंगा कि ये भर्ती नहीं अटकनी चाहिए, 31,000 बेरोजगार को पेट पे लात मर जाएगी, उनके भविष्य पे लात मर जाएगी, इसमें नियम अनुसार परीक्षण करवाइए। जो कागज ये लोग दे रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं, BSTC वाले जो आंदोलन करें, इनके कागज को परीक्षण कराएं कि इनके तथ्य सही है, और जो BEd वाले दे रहे हैं उसके बाद आप परीक्षण करिए कि नियम अनुसार क्या है, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे BEd वालों को मिले चाहे BSTC वालों को मिले, लेकिन नियम अनुसार होना चाहिए ना। अब फिर भी तुम ये कहोगे, एक दूसरे को कोसोगे, जो भी काम होगा ना नियम अनुसार ही होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं भर्ती नहीं उलझे। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट लेवल की तैयारी करे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसकी तैयारी करूं, और कोर्ट में अटक गई तो वो कहीं कहीं नहीं रहेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों के सुनते हुए, अलग अलग राज्यों की सारी पॉलिसी देखते हुए, NCT की पॉलिसी देखती है, चिन्ह हाईकोर्ट के जो आदेश को देखते हैं, NCT के रिप्लाई को देखते हैं, वो छात्र हित में निर्णय ले, जिसे भर्ती नहीं अटके, नहीं अटके। कुछ लोग जो ID बनाकर मेरे BEd साथियों को, जो डिग्रीधारियों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो पेन यादव BSTC वालों का पक्ष ले रहा है। मैं उनसे, मेरे साथियों कहना चाहूंगा, BEd वालों को, आप अपने दिल पर हाथ रखिए। 2016 BEd वाले मेंशन पे मैं भी RPSC पढ़ा रहा, 18 के लिए मैं कोरोना में गया, 9,322 के लिए से BEd वालों के लिए हर जगह मैं खड़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी दोगला ऐसा नहीं किया, दोगला नियम नहीं अपनाया, आपके लिए भी साथ खड़ा था। और जो यदि BSTC वाली अपने नियमों में सही है, तो आपको भी ये मानना चाहिए कि हाँ नियमों में सही है, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ छोड़ने चाहिए कुर्सी पे, आपको भी, क्योंकि वो आपके छोटे भाई है, और नियमों में नहीं है तो उनको भी मैं कह दूंगा, भैया आप नियमों में नहीं है, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उनके एक व्यक्ति जो मेरे कार्यालय आए थे, घेराव कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया था, आज मैं मंत्री से मिलवा कर आपकी बात रखूंगा, मेरा फर्ज है उनकी बात रखवाना, आप आओगे तो आपकी बात रखवा दूंगा, लेकिन जो होगा नियम अनुसार होगा, और यदि नियम अनुसार उनको न्याय मिलता है तो आप लोगों को द्वेषता नहीं फैलानी चाहिए कि BSTC वाला मेरा दुश्मन हो गया, वो आपका ही भाई है। इसलिए मेरे, विशेषकर मेरे BEd साथियों से, डिग्रीधारियों से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोग निजी स्वार्थ, उनको कोई मतलब नहीं है, नंबर आए नहीं आए, वो आपस में आपको गुमराह करेंगे, उपेन यादव तो BSTC वालों का पक्ष ले रहा, उपेन यादव तो ये कर रहा, नहीं भाई, 31,000 मेरे बेरोजगारों को नौकरी मिले, वो अपने ही भाई है। ये भर्ती नहीं उलझे, आपस में आप नहीं लड़ो, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनो। इसलिए मैं इसलिए चाहता हूं ये भर्ती समय पे हो, 25 अप्रैल को एग्जाम हो, आपको न्याय मिले। आवाज आ रही है क्या?